टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं अलख नयन मंदिर, दक्षिणी राजस्थान का पहला फुली एक्रेडिटेड नेत्र चिकित्सालय, अलख नयन आई हॉस्पिटल, अलख हिल्स प्रताप नगर एक्सटेंशन, एयरपोर्ट रोड उदयपुर। सीएम गहलोत ने गैस सब्सिडी योजना के लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की राशि, उदयपुर के 1,43,103 लाभार्थियों को मिला लाभ। फतेहनगर कस्बे में किसान की हत्या पर उबला कुमावत समाज, पुलिस पर आरोपियों को बचाने के लगाए आरोप। केले के गोदाम में लगी आग से विद्युत विभाग की डीपी जलकर हुई राख, क्षेत्रवासियों ने विद्युत विभाग पर लगाए लापरवाही के आरोप। और चित्तौड़गढ़ में मेडिकल कॉलेज का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, मेडिकल कॉलेज में अध्ययन कर रहे 100 छात्र। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा महंगाई से राहत देने के लिए लाई गई योजना रंग ला रही है। सीएम गहलोत ने एक बार फिर से गैस सब्सिडी योजना के लाभार्थियों के खातों में सब्सिडी राशि ट्रांसफर की है। इसके चलते उदयपुर के 1,43,103 लाभार्थियों को गैस सब्सिडी योजना का लाभ मिला है। उन्हें गैस का सिलेंडर 1,150 रुपए के स्थान पर 550 रुपए पड़ा है। इस योजना का लाभ वितरित करने के लिए कार्यक्रम का उदयपुर के सुखाड़िया रंगमंच पर सीधा प्रसारण किया गया। उदयपुर के सुखाड़िया रंगमंच पर हो रहा जिला स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गैस सब्सिडी योजना के तहत राज्य के लाभार्थियों को 5,97,92,591 रुपए की सब्सिडी राशि उनके खातों में ट्रांसफर की है। लाभार्थियों के खातों में ऑनलाइन सब्सिडी ट्रांसफर करते हुए सीएम गहलोत ने इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत प्रदेश के लाभार्थियों को यह सौगात दी है। इस जिला स्तरीय समारोह में जिला कलेक्टर अरविंद पासवाल, एडीएम ओपी बुनकर, राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली, समाज सेवी फतेह सिंह राठौड़, बीसू का सदस्य लक्ष्मी नारायण पंड्या, पूर्व विधायक त्रिलोक पूर्बिया, पार्षद अरुण टाक, विनोद जैन, जिला रसद अधिकारी नरेश बुनकर सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं लाभार्थी मौजूद रहे। We are Central Academy. We are in 4 states in 30 cities with 68 schools and with 1,50,000 students. We are committed to imparting quality education, instilling patriotism and sanskaras in centimians. Visit Central Academy Group of Schools, Udaipur. जिले के फतेहनगर कस्बे में किसान गुलाबचंद कुमावत की हत्या के मामले में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस पर लापरवाही करने के आरोप लगाते हुए कुमावत समाज ने गुरुवार को उदयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। धरना दे रहे समाज के लोगों ने हत्याकांड की जांच उच्च अधिकारियों द्वारा कराने और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। उदयपुर रेंज आईजी अजय पाल लांबा को उन्होंने ज्ञापन सौंपा। कलेक्ट्री के बाहर इकट्ठा हुए सभी ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और समाज के लोगों ने फतेहनगर के किसान गुलाबचंद कुमावत की हत्या करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए ज्ञापन के माध्यम से आईजी को अवगत कराया। समाज के लोगों ने बताया कि मृतक गुलाबचंद कुमावत के 2 नाबालिग बच्चे भी है जिनकी परवरिश करने वाला कृषक गुलाबचंद ही था। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि कृषक की हत्या के आरोप में नामजद 6 अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद रातों रात 4 दोषियों को रिहा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि दोषी पुलिस कर्मियों को बचाने के प्रयास करना भी कानून के साथ खिलवाड़ है जो लोकतांत्रिक कानून और व्यवस्थाओं को कलंकित करता है। मामले की निष्पक्ष जांच करना और कानून के दोषियों को सजा दिलाने की मांग की गई। भारतीय कुमावत क्षत्रिय महासभा हत्याकांड पर प्रशासन के रवैये से शुद्ध है और पूरे समाज में रोष व्याप्त है। हमले में घायल गुलाबचंद कुमावत चमन सिंह के साथ
खेत में कृषि का काम करता था। मृतक गुलाबचंद को पूर्व में कई बार हत्यारे ने जान से मारने की धमकी दी थी, जिस पर भी पुलिस को लिखित FIR दी गई, लेकिन पुलिस ने किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं की। इस मौके पर कुमावत समाज समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष युधिष्ठिर कुमावत ने बताया कि हत्या एक जघन्य अपराध है, जिसमें निर्दोष किसानों को अकारण मौत के घाट उतार दिया गया। इस मामले में जांच भी निश्चित रूप से नहीं की गई। इसी बात को लेकर गुरुवार को समाज ने IG उदयपुर रेंज अजयपाल लांबाट से निष्पक्ष जांच करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि IPS अधिकारी से इस मामले की पूरी जांच करने का आश्वासन मिला है। इसी 20 तारीख को फतेहनगर के वासनी गांव में एक गरीब किसान गुलाबचंद कुमावत की हत्या कर दी, और यह विषय भी जानकारी में आया कि हत्या करने से पहले बुजुर्ग थाने में गया था। थाने में उसके वो रिटायर्ड सस्पेंडेड पुलिस कर्मचारी है राज सिंह करके, जो उसके बाद विवाद तो दो भाइयों का था, लेकिन अनावश्यक रूप से इस गुलाबचंद की हत्या कर दी गई। मृतक के पीछे उसकी पत्नी और दो बच्चे हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इससे पूर्व भी ये जमीन का प्रकरण था, इसको लेकर 3 बार परिवार को लेकर फरियादी गए थे, पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया, यह लापरवाही थी। इसलिए आज हम IG साहब, कलेक्टर साहब वगैरह को ज्ञापन देने के लिए आए थे, घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की जाए, अगर पुलिस कर्मचारी भी इसमें दोषी है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और दोषी हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। फतेहनगर के बासनी कला गांव में जो गुलाबचंद कुमावत हत्याकांड हुआ, वो अपने पीछे कई गंभीर सवाल इस राज्य की न्याय और कानून व्यवस्था पे भी छोड़ता है, क्योंकि जिस प्रकार से कन्हैयालाल हत्याकांड में कई बार शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, उसी प्रकार इसमें भी गुलाबचंद एवं चमन सिंह द्वारा पूर्व में पुलिस को कई बार चेताया गया, जान की खतरा बताया गया और रिपोर्ट भी दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई अनुसंधान नहीं किया और उल्टा उन्हीं लोगों को डरा धमका कर थाने में अपने खेत में से नाजायज रूप से रास्ता देने के लिए मजबूर किया, जो कि पुलिस अधिकारी की क्षमताओं में नहीं था, उसके पुलिस के पद के अधिकारों में नहीं था। इसलिए ये बहुत गंभीर प्रश्न है कि पुलिस के लोग थाने में बैठकर अपने अधिकारों से बाहर निकलकर न्यायाधीश बन बैठे हैं, और उन्होंने जो ये नाजायज तरीके से रास्ता खुलवाया वही इस हत्याकांड का मुख्य कारण बना। और हमने मांग की है माननीय अशोक गहलोत से कि जो जिस प्रकार थाने में नाजायज रूप से रास्ता खुलवाने का कार्य किया गया और नाजायज रूप से मजबूर करके स्टाम्प पर राजीनामा करवाया गया, इसके खिलाफ दोषी कर्मियों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और सख्त संदेश दिया जाए कि थानों में अपराधियों को शरण नहीं दी जाती है और जनता की सुनवाई की जाती है, ये अशोक गहलोत माननीय सुनिश्चित करें। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में राजस्थान का No. 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। सवीना थाना क्षेत्र में लगी DP में भीषण आग लगने के चलते अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि DP के पास बने केले के गोदाम में लगी आग थी, इस आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसके चलते DP ने भी आग पकड़ ली। RSCB की DP में आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि क्षेत्रवासियों ने इस डीपी को लेकर RSCB को कई बार शिकायत भी की थी, लेकिन इसके बाद भी किसी तरह की सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में आज यह हादसा हो गया। केले के गोदाम में पड़ी कैरेट और AC भी जलकर राख हो गए। आग की सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे मुख्य मार्ग जाम हो गया। वहीं पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों को वहां से रवाना करते हुए जाम खुलवाया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्तौड़गढ़ में मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल उद्घाटन किया है। गुरुवार को आयोजित समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल भी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के इस मेडिकल कॉलेज में 60% बजट केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, जबकि 40% बजट राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया। जिले वासियों को लंबे समय से इस मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन का इंतजार था। इससे पूर्व भी इसके उद्घाटन की योजना बनी थी। पीएम मोदी द्वारा नाथद्वारा में जनसभा को संबोधित करने के लिए आए थे, उस दौरान भी लास्ट मोमेंट पर इसका उद्घाटन कैंसिल कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ के इस मेडिकल कॉलेज में 100 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीकर जिले में 5 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया गया। इसी श्रृंखला में चित्तौड़गढ़ मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह झाड़ावत, पूर्व UDH मंत्री श्रीचंद कृपलानी, विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, विधायक ललित ओसवाल, विधायक अर्जुन जिनगर सहित कांग्रेस व भाजपा के अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री बघेल ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले 9 वर्षों में कई कार्य किए गए तथा मेडिकल की सुविधाओं के साथ ही स्वास्थ्य की सुविधाएं भी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी स्वास्थ्य सेवाओं में और विस्तार किया जाएगा। पैसा स्वीकृत करने के लिए मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। निश्चित तौर से इस विद्यालय के मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण से 315 बिस्तरों वाले 325 करोड़ की लागत से जो निवेश हुआ है, केवल चित्तौड़ के मरीजों का नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि जो थोड़ी बहुत भूगोल मैंने यहाँ की समझी है, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा बूंदी और मध्य प्रदेश के भी पड़ोसी जिलों के लोगों का निश्चित तौर से यहाँ पर इलाज होगा। मैं थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करना चाहूँगा। MBBS के छात्र छात्राओं को ये बताना चाहूँगा कि पिछले 9 वर्षों में 56,600 से अधिक MBBS सीटें हमने की। अगर ये पढ़ाई नहीं होती तो आपके से बहुत से बच्चे इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जगह किसी प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा फीस में पढ़ रहे होते अथवा बाहर हो चुके होते, आपका चयन नहीं होता। इसलिए आपको भी कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि 56,600 अगर हमने सीटें बढ़ाई हैं तो राजस्थान में भी बढ़ी होंगी, उसका लाभ आपको मिला। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं अलख नयन मंदिर, दक्षिणी राजस्थान का पहला फुली एक्रेडिटेड नेत्र चिकित्सालय, अलख नयन आई हॉस्पिटल, अलख हिल्स प्रताप नगर एक्सटेंशन, एयरपोर्ट रोड उदयपुर। सीएम गहलोत ने गैस सब्सिडी योजना के लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की राशि। उदयपुर के 1,43,103 लाभार्थियों को मिला लाभ। फतेहनगर कस्बे में किसान की हत्या पर उबला कुमावत समाज, पुलिस पर आरोपियों को बचाने के लगाए आरोप। केले के गोदाम में लगी आग से विद्युत विभाग की डीपी जलकर हुई राख, क्षेत्रवासियों ने विद्युत विभाग पर लगाए लापरवाही के आरोप। और चित्तौड़गढ़ में मेडिकल कॉलेज का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, मेडिकल कॉलेज में अध्ययन कर रहे 100 छात्र। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप बने रहिए न्यूज 91 पर। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स PG कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।